हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस पावर बीआई की ट्यूटोरियल में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से दोबारा माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं किए, आपके फ़ोन्स भी नहीं उठाए। रीज़न था कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ और होम क्वारंटाइन हूँ, तो पिछली तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। इस कारण से मैं मतलब कॉल्स उठा रहा था ना, वीडियो बना रहा था, बट अभी मैं बेटर फील कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आज कुछ वीडियोज़ बनाए हैं। और अभी जो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पावर बीआई के बारे में, तो पावर बीआई में यहाँ हम बात करने जा रहे हैं स्लाइसर्स के बारे में। स्लाइसर का इस्तेमाल क्यों, क्या होता है और स्लाइसर्स में क्या प्रॉब्लम आती है, हम स्लाइसर्स ही नहीं पढ़ेंगे, स्लाइसर्स के बाद भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि हमने मंथ वाइज हमने यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी का टोटल ले लिया और हमने इसकी विजुलाइजेशन जो है इस विजुलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया और थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये ओवरऑल है, लेकिन मुझे इसको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से फिल्टर करके देखना है। तो हम क्या करते हैं, स्लाइसर्स का इस्तेमाल करते हैं। स्लाइसर्स को एक लोकेशन पर रखते हैं और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को या जो भी आपके कंडीशन से उसको रखते हैं, तो लिस्ट आया, हम इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन, और फिर इसको हम एक छोटे एरिए पे अरेंज कर देते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ अगर आता हूँ और सीडी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ देखिए सिर्फ सीडी का रिपोर्ट आ रहा है। अगर मान लीजिए मैंने अगर सिर्फ सिलेक्ट कर लिया रैम, तो यहाँ सिर्फ रैम का, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास दूसरी विजुलाइजेशन भी है, उसमें प्रॉब्लम आती है। दूसरी विजुलाइजेशन जैसे कि मैं मंथ वाइज मेरे नेम वाइज अपना नेम वाइज मैंने यहाँ पे नेम रख देते हैं। नेम वाइज हमने अपना क्वांटिटी का टोटल लिया और इस पे हमने अपना अलग एक विजुलाइजेशन तैयार कर दिया। तो मान लीजिए मैंने फनल चार्ट ले लिया। अब जैसे कि मैं अब यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ, अगर मैंने मान लीजिए कि HD चेंज किया, अब देखिए हमारा फनल चार्ट भी इफेक्टेड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो स्लाइसर है ये सिर्फ हमारे इस मंथ को यूज करे, मंथ के लिए वर्क करे, मंथ में वर्क करे। मैं इसकी बैकग्राउंड जो है यहाँ पे आता हूँ और स्लाइसर हेडिंग बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ इस पे चले, प्रोडक्ट पे चले, तो इस पे ही चल रहा है, इसलिए क्योंकि एक ही टेबल पे होने के कारण। तो क्या मैं डेटा को दो बार करूँ? नहीं, डेटा को दो बार इंसर्ट करने की जरूरत नहीं, बट मैं क्रिएट अ न्यू टेबल। अब यहाँ न्यू टेबल में आइए, मुझे मंथ वाइज चाहिए ना हमें रिपोर्ट क्वान्टिटी का। तो टेबल में हम आते हैं और एक ऑल का फॉर्मूला है, वो ऑल का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल लिखा रहा हूँ NM नाम का टेबल बनाया और यहाँ पे ऑल फॉर्मूला लगाया और ऑल फॉर्मूले में हमने डेटा का नेम ले लिया। तो इससे क्या होगा कि आपको इस NM नाम का टेबल जनरेट हो जाएगा और उसमें सारे यूनिक नेम यहाँ आ जाएंगे। अब मुझे इसकी क्वान्टिटी चाहिए, तो वापस न्यू कॉलम पर आते हैं यहाँ पे क्वांटिटी। अब क्वांटिटी ऐसे नहीं कॉल होगा क्योंकि मुझे कविता का टोटल चाहिए, मुझे यहाँ पे समरी चाहिए। सो यहाँ हम सम एक्स नाम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम एक्स, और इसमें फिल्टर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फिल्टर में हम यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करते हैं और इंक्लूड क्या करना है, तो वो हमें यहाँ पे देना है कि डेटा डेटा का जो नेम है इज इक्वल टू NM नेम, और ये इसको सम एक्स को देगा और सम एक्स इसको सम करना है क्वांटिटी को, हम यहाँ क्वांटिटी को सम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको नेम के अगेंस्ट में उसकी क्वांटिटी का पूरी समरी बन के आ जाएगा। अब मुझे अपने विजुलाइजेशन पे जाना है, कहते हैं आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं।
और यहाँ हमने ये टेबल को मिनिमाइज करते हैं और यहाँ नेम को ढाल के रखते हैं और यहाँ इसके अंदर क्वांटिटी को ढाल के रखते हैं। अब इसकी विजुलाइजेशन फुनल चार्ट में चाहिए तो वी कन्वर्ट द फुनल चार्ट। अब क्या है कि अगर स्लाइसर यूज करेंगे तो फुनल चार्ट मेरा इफेक्टिव नहीं होगा। इसे डीवीडी किया तो देखिए मेरा सिर्फ जो है मैं डीवीडी किया तो डीवीडी ये हो रहा है, हमारा फुनल चार्ट इफेक्टिव नहीं है। तो ऑल फंक्शन के माध्यम से हमने एक नया टेबल बनाया और उस नए टेबल के अंदर में हमने सम वगैरह का इस्तेमाल किया। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, एक्सेल वीवीपी एक्सेस इक्वल गूगल सीट पर इसी चीज़ पर प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाएंगे एंड अपलोड करेंगे। हमारे चैनल में सिर्फ टॉपिक ही नहीं आपके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन से रिलेटेड वीडियोज को भी हम अपडेट करते हैं। थैंक यू।